आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। हत्या कर सबको जलाया। बिजनौर के नगीना देहात में आज एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जहां एक पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी है और सबको बुग्गी में दादकर नहर किनारे ले जाकर जला दिया। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार, हड्डियां बरामद की, मामले की जांच में जुट गई। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र चंदन वाला का है, जहां के रहने वाला चेतन की शादी 11 साल पहले मुरादाबाद रहने वाली रीना के साथ हुई थी। एसपी देहात संजय कुमार के मुताबिक चेतन ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी रीना को गला घोटकर हत्या कर दी और आरोपी के पिता महेंद्र ने शव को बुग्गी में लादकर नहर किनारे ले जाकर जला दिया। हड्डियां बरामद कर बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। महिला की हत्या का मामला आया सामने, क्या मामला है? ये नगीना देहात थाना क्षेत्र के अंदर कल जानकारी हुई थी कि एक महिला की हत्या करके उसके शव को जलाने की सूचना दी। इस सूचना पर श्री नगीना और मैं थाना अध्यक्ष हम लोग मौके पर पहुंचे। शाम में 7 बजे हमें सूचना मिली थी, तो जानकारी करने पर उसके पति को और उसके पति के फादर को उन्होंने हिरासत में पूछताछ की। मामला निकल गया है कि महिला नगीना देहात में रहती, पति को इस अवैध संबंध में शक होने पर सुबह मोबाइल देखने के लिए झगड़ा हुआ, जिसमें पति के द्वारा आबिश मारकर गला दबा उसकी हत्या कर दी गई और उसके फादर ने अपने लड़के के सहयोग से उसकी डेड बॉडी को बैल में ले जाकर लकड़ियों से नहर किनारे बिना किसी सूचना के जला दिया गया। हम लोग 2 घंटे हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है।